ओके हेलो। चलिए आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6A D2 की, और ये हम कर रहे हैं वीडियो रेहान के साथ, रेहान स्वेल ऑफ क्लासिक स्कूल। क्लासिक में यही चल रहा है ना, इसी का अब असेसमेंट आएगा, तो जो लोग हैं वो देख सकते हैं। तो एक्सरसाइज है 6A, इसमें हम देखेंगे रेहान बहुत आसान क्वेश्चन है, आप हेल्प करेंगे मुझे, ठीक है। अब ए है हमारे पास 4x⁴ ओवर 12 एक्स रेस पर 5 और वाई। इसके सॉल्यूशन पे हम बात करते हैं, फॉर्मेट के ऊपर हम बात नहीं करेंगे। फॉर्मेट पे हम इसलिए बात नहीं करेंगे कि हाँ टीचर का अपना ही कोई सीन है, तो वो कुछ लोग एतराज़ कर जाते हैं कि नहीं हम जैसे कह रहे हैं वैसे करें। तो हम इसको सॉल्व करने में बात करेंगे, फॉर्मेट आप अपने टीचर का फॉलो कर सकते हैं। तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं इसका, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखें, क्वेश्चन को रीराइट कर लें, ठीक है। क्वेश्चन को रीराइट इसलिए कर लें क्योंकि आप कटिंग करते हैं जब इसके ऊपर, तो फिर वो प्रॉब्लम्स आती हैं और फिर पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है। एक क्वेश्चन हम ज़रा खोल के करेंगे, ठीक है, फिर बाकी हम डायरेक्ट ही करेंगे। अब इसमें 4/12 नंबर को लग कर लें, फिर हम नहीं करेंगे, फिर हम डायरेक्टली करेंगे, क्योंकि जो देखने वाले लोग हैं उनको फिर अंदर जो चीज़ चल रही है वो समझ नहीं आएगी, तो इस तरह करेंगे तो पता लग जाए। अब x⁴, इट मीन्स ये 4x है ना, और नीचे कितने हैं रेहान, 5, 1, 2, 3, 4 और 5। उसके बाद हमारे पास नीचे एक ही y है, तो 1/y लिख लेते हैं, ऐसे ही है। अब देखिए इन सब की कटिंग करते हैं, नंबर 4 और 4 आपस में काट जाते हैं, इतने टेबल्स आने चाहिए, इतने आए तो फिर तो प्रॉब्लम है। 4 1 4 3 4। अब एक एक्स इसके साथ ऊपर नीचे वाले एक्स आपस में कट गए, है ना, कितने कटे, 1 2 3 और 4, कितने एक्स बच रहे हैं हमारे पास, एक, और वाई बच रहा है, यही हमारा आंसर होगा। ऊपर वाले ऊपर लिख लें, x/3x, ऊपर 1 बच रहा है हमारे पास सिर्फ, है ना, हाँ खाली 1/y, ठीक हो गया। अब इसको हम करते कैसे हैं, वैसे जैसे आप डायरेक्टली कर रहे। तो अब 4 1 4 नंबर नंबर के साथ काट गया, ऊपर 4x है नीचे 5 है, तो 5 काट गया और बस यही बचा, तो हमारे पास सीधा आ गया 4 1, ऊपर कुछ नहीं बचा, तो 1 3 x y आंसर आ गया। ये उसका वो स्टेप्स हैं, इस तरह हम इसको करते हैं। वो दे अब चल रहे हैं, हाँ मेरा बेटा ला दे टेस्ट, ला दे, ठीक है। रेहान को मैंने कहा आजा सामने, रेहान कहता है नहीं हम वायरल ही ना कहीं हो जाए, है ना, ठीक है। तो चेयर रख लेते हैं रेहान इधर, ताकि हम बैठ के आराम से करते हैं ना। चल अगला क्वेश्चन बता, फिर अगला क्वेश्चन बोल, आगे आ जा। इतनी 16A³ 3 b² 4/24 हाँ जी आता होगा, a⁵5 b² 2। नहीं आ रहा तो इसको अनलॉक कर, तो फिर वो इसको पिक करेगा, वैसे तो आ रहा होगा, ना आ रहा होगा, ठीक हो गया। अब कटिंग करवाओ इसकी, बस हम सॉल्यूशन वगैरह फॉर्मेट में नहीं हम पढ़ रहे, टू से काट जाएगी, है ना, सीधा डायरेक्ट भी काट सकते हैं, दोनों 8 के टेबल में आते हैं। अच्छा अगर एक टेक्निक है आपके पास, अगर आपको नहीं पता लग रहा है ये किस टेबल में आते हैं, तो आप इसका जल्दी से HCF भी ले सकते हैं। HCF लेना आता है, मेरा ख्याल है हमने नहीं सीखा, क्योंकि हमने D1 D2 से किताब शुरू की थी, तो D1 में HCF लेना सिखाते हैं। आता है वैसे कोई आइडिया थोड़ा बहुत HCF का, चल दफा करो फिर। तो 8 के टेबल से ये दोनों काट जाते हैं, 8 2 ज़ार, चले 2 से बारी बारी कर लेते हैं, 2 8 ज़ार, 2 12 ज़ार। अब दूसरी बार दूसरे मार्कर से काटते हैं, अब 4 से काट लेते हैं, 4 2 ज़ार 3 ज़ार, अब नहीं ये कटते, तो नंबर का काम खत्म हो गया। हमारे पास ऊपर 2 आ गया, नीचे 3 आ गया, अब ए की तरफ होते हैं, ऊपर 3 है, a² 2, बी का से ऊपर 2, आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। ये इसका वे है, सी पार्ट 23Q, कौन सा 23Q सी पार्ट है क्वेश्चन 1 का, 23Q³ 3 R ओवर 69Q³ 3, बस S, चलें SPSR। अच्छा जी अब देखें, सबसे पहले तो आपको ये पता लगना चाहिए ये दोनों
थ्री से काट रहे हैं, लेकिन 23 3 के टेबल में नहीं आता, तो 23 3 टाइम, हाँ 23 के टेबल में 23 1 टाइम 23, 23 3 टाइम 69, तो साथ साथ हम आंसर लिखते हैं। नंबर्स में ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 3, अब क्यू की तरफ होते हैं, बारी बारी होंगे तो हाँ जी बताएं। काट हो गया ऊपर एक, यानी नीचे एक था ऊपर तीन थे, तो हमारे पास 2 रह गया, सो वी विल गेट क्यू रेस पार 2, देन और ये नीचे आ रहा है ना, एंड एस दैट इज आर आंसर। ठीक हो गया, इधर आ जा बेटा, पास हो जा क्या। नहीं 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 कर रहे इब्राहिम, नहीं कर रहे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ देखते हैं, थ्री एम एन की पावर 2 की पावर 2 पी की पावर 3 पी रेस पावर 3 ओवर ओवर 18 एम की रेस पावर 3 एम रेस पावर 3 एन पी एन पी की पावर 6। ठीक हो गया। अब सबसे पहले नंबर्स की तरफ होते हैं ना, तो 3 और 18 आपस में काट जाते हैं, 3 वन जार 3 6 आर, नंबर हमारे पास क्या 6 है ना, 1 ओवर 6, देन आगे अब m कट कर लेंगे, ऊपर एक नीचे की 2 हो रहा है, तो लिख लेते हैं हम साथ साथ m स्क्वायर, देन n की तरफ हो जाते हैं। हाँ जी नीचे से कट हुआ, ऊपर एक n आ गया, देन p कट हो जाएगा, ऊपर से 3 हो गए, दैट इज आर आंसर। और आपकी नोटबुक में भी ऐसे ही हुए हुए हैं, डायरेक्टली कट किए हैं उन्होंने, उसके अलावा नहीं। हाँ जी आगे मेरे बेटा, ई पार्ट इसके अलावा मेरे ख्याल से आप सीधा कोई क्वेश्चन करवा लो, तो फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं, अगर इसमें से कोई है लग रहा जो आपको करवाना चाहिए, कोई मुश्किल देख लें फिर भी जो आपको शुरू में, अब तो आपने सीख लिया ना इस वजह से, नहीं दो ही रह गए करवा, फिर क्यों हम आसान लें जी। 16xy की पावर 3 जी आगे, हाँ जी 64x रेस पावर 2, हाँ जी ये चीज कराता चाहिए साथ साथ, करेक्शन कटिंग करें, सीधा ही काट देते हैं 16 से ना, 16 अब लिख लेते हैं पहले, ताकि कुछ चीज मिस ना हो। इसमें ये बड़ी मिसिंग होती है कि हम सारा कुछ काट लेते हैं तो बाद में हमसे लिखा नहीं जाता, तो साथ साथ ही एक तरह ये नहीं होगी, एक्स बच गया नीचे, ठीक है अब वाई काट हो जाएगा, आंसर इस तरह स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो गलती नहीं होगी। इरेज करें इसको, आ ही रहा है। हाँ क्वेश्चन नंबर 2 लिखवाएं, x y +3y ओवर 4x प्लस 5 12 वही मैं कहूँ 12। अच्छा जी मेरा बेटा, इसमें कॉमन निकालने अच्छा पड़ेंगे सर, अब पहले वाले में y कॉमन आएगा, ऊपर दोनों में अलजेब्रा में जब भी कोई चीज कॉमन निकलती है लाजमी निकालनी, ऊपर से y कॉमन आ गया और x तो रह जाएगा प्लस 3। हाँ जी नीचे से कुछ कॉमन निकलता है सर, नीचे से 4 कॉमन, 4 क्योंकि दोनों नंबर 4 के टेबल में आते हैं, x प्लस 3 अब देखें ये एक जैसे y और 4 यस यही होगा। अगर सर ये 3+x हो, नीचे x प्लस 3 हो तो मतलब लिख के दिखा सकते हैं, नहीं नहीं सेम हो तो फिर ही कटते हैं, नहीं अगर इधर 3 हो और हाँ, इधर x आगे पीछे हो वाली, हाँ प्लस में एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ऊपर होता है x प्लस 3 और नीचे होता है 3+x, तो ऐसा पॉजिटिव है ना, अरेंजमेंट आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 के क्वेश्चन सी करते हैं, क्वेश्चन 2 का सिर्फ सी पार्ट हाँ लिखवाएं, क्वेश्चन 2 a टू रेस पावर 2 प्लस 2ab ओवर 6a, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तो अब देखेंगे कुछ कॉमन निकलता है कि नहीं, तो ऊपर से क्या निकले a कॉमन आएगा, तो टू बी ओवर a सिक्स a, इसमें कुछ जगहों पे हम ये भी करते हैं a कट गया, कुछ जगह पे हम इसको ऐसे भी करते हैं कि हम a ओवर 6 प्लस 2b ओवर 6 अलग भी लिख लेते हैं, ठीक है तो ये इसे काट जाएगा, तो हमारे पास a ओवर 6 प्लस b ओवर 3, चलें जो वो आपको आ रहा है कि नहीं अब e पार्ट कर लेते हैं, हाँ e पार्ट
ई पार्ट कर लेते हैं, लिखवाएं। इब्राहिम एक काम करोगे मेरे बेटा, वो उसके ऊपर देखो वो रेड लॉक्स आ रहे हैं ना, उनको क्लिक करो, ओपन करो इनको, ठीक है? ई पार्ट की समझ नहीं आती। हाँ अब ये लॉक करो, अब लाइट उसने ठीक कर लिया ना, अब लॉक करो। हाँ जी सर, ई पार्ट की समझ देखो नजर आ रहा है लिखा, मुश्किल से आ रहा है लिखा। ये वाली लाइट ऑफ करनी है, ये वाली लाइट ऑफ करो, नहीं उसको अनलॉक करो, फिर जब जहाँ पे लिखा ठीक नजर आएगा वहाँ पे इसको, नहीं मेरे ख्याल से आ रहा है लिखा नजर, है ना? वो अंधेरा हो जाएगा फिर, वो उठाएगा नहीं उसको, ठीक है? चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवाएं, टाइम उसका 10 मिनट हो गए। क्वेश्चन कौन सा? ई पार्ट है। ई पार्ट करूँ जी, बोलें कोई बात नहीं, आप करवाएं। ब्रैकेट एम माइनस एन होल स्क्वायर है ना, ऊपर होल स्क्वायर। हाँ जी आगे एम टू माइनस एम एन, अब देखें जिसकी भी, ये देखें ए की पावर टू इट मीन्स ए इंटू ए, तो एम माइनस एन की पावर टू इंटू इट मीन्स एन। हाँ जी आप इसके ऊपर ये फलसफा लगा लें तो कभी गलती नहीं लगेगी। वैसे हम पावर भी कैंसिल कर सकते थे, एक नीचे से कुछ कॉमन आता है एम कॉमन ले लें, काट हो गया ओवर एम, दैट इज आवर आंसर। और इसमें कुछ देखो जो मुश्किल हो क्वेश्चन लगता उसके अकॉर्डिंग सारे सेम है। क्वेश्चन नंबर थ्री करें स्टार्ट, चलें क्वेश्चन थ्री आ गया। जी बोले मेरा बेटा इब्राहिम, मार्कर चाहिए एक मेरा पुत्र। हाँ जी नहीं परमानेंट नहीं लिखे जाना, मेरे बैग की फर्स्ट पॉकेट से देखो उसमें। हाँ जी 5 PQ over 15P minus 10P आसान है, PQ मिक्स हो जाना, नहीं वैसे ये इस ये सही है, इसको यूज करते हैं वो उधर नजर आएगा। अच्छा 10PQ, अब मेरा बेटा ऊपर से हम कुछ नहीं कर सकते 5PQ, नीचे से हमें देखना पड़ेगा कि कुछ कॉमन निकलता है 5P, क्योंकि 5 दोनों 5 के टेबल में आते हैं और दोनों में P है, तो 5P हम कॉमन ले सकते हैं। तो इधर से 3 माइनस 2Q, अब हो सकता है कुछ लोगों को ये नहीं पता लग रहा हो कि ये कैसे मारा आ गया, तो जब भी आप देखें पहले तो कॉमन क्या लिया जा सकता है, कॉमन मतलब जो चीज़ दोनों में है, P इसमें भी है उसमें, उसके बाद ये दोनों 5 के टेबल में आ रहे थे, तो 5P हमने कॉमन ले लिया। इसके बाद इसको 5 से डिवाइड किया 3P से डिवाइड किया, तो P कैंसिल हो गया, उधर से P कॉमन चला गया बाहर, 10 को डिवाइड किया 2 और Q रह गया, इस तरह कॉमन लेते हैं 5P से कैंसिल ओवर 3 माइनस 2Q, दैट इज आवर आंसर, ठीक है? और मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए, ये क्वेश्चन नंबर 2 का था एफ पार्ट। जी क्वेश्चन नंबर 3 मैं भी कहूँगा ये वैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 2A प्लस बी ओवर 4A की पावर 2 बहुत आसान सवाल, इसमें एक चीज़ सीखने वाली है आपके पास, ये रेहान इब्राहिम ये मेरा बेटा बता सकता है ये क्या फार्मूला बनेगा ये? माइनस है माइनस ये डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर का ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसमें ये फार्मूला यूज होगा, जिसको ये नहीं आता वो नहीं। तो अब ये ए सिंगल नहीं है, पूरी टर्म को हमें ए बनाना पड़ेगा, ऊपर है 2a प्लस बी, जी तो आ गया 2a होल स्क्वायर, क्योंकि 4 जो होता है 2 का स्क्वायर होता है, ए हमने ए स्क्वायर बना लिया, ये पहले भी आपने बनाया था वो जो क्वेश्चन जिसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर फिर फार्मूला कंप्लीट होता था, ये फार्मूला अलग है, बल्कि किया था ये भी क्वेश्चन 4 में, है ना चैप्टर 4 में, ये वही फार्मूला है। और यहाँ पे हमारे पास बन गया बी का स्क्वायर, अब ये ए स्क्वायर और ये बी, ये पूरी टर्म हमारी ए है ये बी है, इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखते हैं, इधर तक आ रहा है बोर्ड, हाँ आ रहा है, हैंड वॉश करना है, 2a प्लस बी और बी, इसको काट 1 ऊपर कुछ नहीं बचा, तो 1 2a ऊपर क्या खाली तो नहीं ना छोड़ोगे उसकी जगह, ठीक है तो 1 ऊपर आएगा, ठीक है ओवर में इसको कैसे हम शो करेंगे, ठीक हो गया आ रहा है ना, तो उसमें कर दूँ रेज मेरे बेटा,
चलो जी, साउंड ठीक आ रहा है उसमें, उसके ऊपर वो देखो साउंड मीटर सही चल रहा है हमारा, साउंड जा रहा है। हेलो, आपकी सही आ रही है, मेरी पता नहीं किधर को, वो कर रहा होगा रिकॉर्ड। चले नेक्स्ट मेरे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं जल्दी जल्दी। अच्छा, बी पार्ट। बी पार्ट, हाँ जी। ये लेंथ है जी। सी की पावर टू, सी रेज पावर टू प्लस प्लस टू सी डी, टू सी डी माइनस 15 डू, माइनस 15 डी, 15 डी की पावर टू, टू ओवर ओवर हैं, ये 15 डी नहीं होगा, कुछ और ही होगा। फिर तो कुछ कॉमन नहीं निकलता ऊपर से ना, फिर तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते। चलें फिर फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, जोड़े बनाएंगे। 30 के 30 नहीं, ठीक है, जोड़े बनाएंगे इसके आगे। 4c की पावर 2 प्लस 20c d। अब ऊपर फैक्टराइजेशन हमने सीखी थी, फैक्टराइजेशन में हम क्या करते थे सर? वो 2 वापस ले ली से 20c d, इधर 20c d है, नहीं नीचे 20c d, 20c d है। साइंस इनके ठीक है, बिल्कुल देख लें। सी की पावर 2 हाँ प्लस 2c d, ठीक है, माइनस 15 d की पावर 2। चलें फिर इसके पेयरिंग करते हैं, ठीक है। अब इसकी हम फैक्टराइजेशन में हमने सीखा था जो इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, ए को 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 15 से 15 ही आ गया। 15 की फैक्टराइजेशन करनी है तो 3 5 ज़ार 5 में से 3 को माइनस करें तो 2 आ जाता है। फैक्टराइजेशन हमारी ठीक हो गई। ऊपर सी स्क्वायर, यहाँ पे हम पॉजिटिव 5cd रखेंगे और नेगेटिव 3cd रखेंगे और माइनस 15d स्क्वायर, और नीचे से कुछ कॉमन निकलता है सर? नीचे कॉमन निकलता है बिल्कुल 2 4 4c, बस है ना, सी प्लस 5d बच गया, ठीक हो गया ऊपर से मेरा बेटा। ऊपर वाले अब फैक्टराइजेशन हो गई, ये हमारा पिछला ही टॉपिक है। तो फर्स्ट फर्स्ट पेयर से सी कॉमन आएगा, 5c प्लस 5d, ब्रैकेट अब हमें थोड़ी बड़ी निकालनी है, सी प्लस 5d और दूसरे से माइनस 3d कॉमन निकले, है ना, प्लस 5d ओवर ओवर 4c फाइव डी। यहाँ तक नजर आ रहा है, यहाँ तक हम लिख सकते हैं। हाँ नहीं सर, हम चले मैं ये इधर से ऊपर लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऊपर से सी प्लस मार्कर जवाब दे गया हमारा, सी प्लस 5d, एक आ गया ना ऊपर वाले, एक पेयर बन गया सी प्लस 5d और सी माइनस। मेरा बेटा किधर रह गया था इतनी देर? सी प्लस 5d, अब काट लेते हैं इसको, ठीक है, काट गया हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, सी माइनस 3d ओवर सी, दैट इज आर आंसर। हाँ बड़ा अच्छा सवाल है, मुझे कैसे पता लगा कि फैक्टराइजेशन इसकी होगी? मैंने चेक किया, कुछ कॉमन आता है नहीं, और एक ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, हाँ हाँ जी, कुछ कॉमन निकलता तो फिर हम कॉमन निकालते, अब निकल ही कुछ नहीं रहा तो फिर अब हम क्या करें? फिर दूसरा हमारे पास ये हल बनता था, 3 टर्म्स थी और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, एक्सप्रेशन था, तो हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली, ठीक है। तो उस तरीके ही हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि देखो हमने फर्स्ट क्वेश्चन जब किया था तो हमें पता था कि हम इनको छोटे छोटे पीसीज में ब्रेक कर लें, फैक्टराइज कर लें, तो हमें फिर सिंप्लीफाई करना आसान होता है। वो नंबर आसान थे तो उनकी फैक्टराइजेशन करना भी आसान थी, नहीं भी ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन जब ये इस फॉर्म में आ जाते हैं तो फिर फैक्टराइजेशन करनी पड़ती है। अब इस फैक्टराइजेशन में डिफरेंट टाइप्स की फैक्टराइजेशन आ रही हैं, जो आपने पीछे जितनी सारी सीखी है वो सब कुछ मिक्स होके आ रहा है, तो फिर वो आपको पता लगना चाहिए। हाँ जी मेरा बेटा आगे सर, डी पार्ट। जी मेरा बच्चा, एक्स की पावर 2, इब्राहिम हेल्प करनी है क्वेश्चन में मेरा बेटा। सी पार्ट मैंने मिस करा दिया, सेम ही था। चलें लिखवाएं फिर, करवाना है तो करवा लें, फास्ट कर लेंगे हम। एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 2 प्लस 6x माइनस 7 ओवर फैक्टराइजेशन ही, एक्स की पावर 2 माइनस, अब ऊपर से एक्स की पावर 2 ऊपर से कॉमन कुछ नहीं आ रहा, तो फैक्टराइजेशन ही हम कर सकते हैं और इसके साथ कुछ नहीं कर सकते। कुछ कर सकते होते तो फिर करते, अब तो नहीं। पेयर बता फिर सर, एक्स की पावर 2 हाँ जी प्लस
एक्स प्लस सेवन है, गुड, वन एक्स माइनस सेवन, बहुत ज़बरदस्त। ये सबसे मुश्किल काम है इसमें पेयरिंग करना। जिस बंदे को ये चीज़ आ गई ना, हमारी नाइन्थ में बच्चियां थी तो वो रोती थी सिर पकड़ के, जी फैक्टराइजेशन नहीं आती। तो फिर उनको मैंने कहा था आप ना रोएं, इसको एज के साथ आपको फिर आ जाएगी। लेकिन आप तो माशाल्लाह अभी एट्थ में, तो आपको ये मुश्किल नहीं लगती। तो अब वो बच्चियां कहती हैं टेंथ में आके कि सर ये नहीं था मैं आता। मैं कहा चले बस ठीक है, कॉमन है ऊपर से मेरा बेटा, ऊपर से अब एक्स कॉमन आ गया। जब कुछ कॉमन आ रहा लिखे तो फिर वन कॉमन लेते हैं, ठीक है। माइनस कॉमन लिया तो इसलिए अंदर वाले साइन भी चेंज हो जाएंगे। ये गलत आ जाता है। हाँ जी, ये इसीलिए कह रहा हूँ ये वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। अब ये नहीं गलत हुआ, हालांकि मैं बोलने लगा था, फिर मैंने बोला कि चलो वेट कर लो, जब आपने बोला था माइनस सेवन, फिर मैंने कहा नहीं करने दो। तो गलतियाँ कर कर के ही ठीक होती हैं, ऐसे तो नहीं ना अब हमसे गलत हो जाता है। इट मीन्स एक बात आपको समझ आ गई, सिंप्लीफाई करने के लिए हमने फैक्टराइज कर लेना है। जिस किस्म की भी फैक्टराइजेशन है वो कर लेनी है, तो एट द एंड वो कटिंग होगी। फिर ये कर दो रेस आगे मेरा बेटा, एफ पार्ट कितने पार्ट है इसके टोटल? हाँ चलो, फिर मतलब हमारी 15-20 मिनट की वीडियो है। हाँ जी, एम के प्लस 8 के ओवर एम टू प्लस 4m 30। अब उसने हमारे साथ गेम खेल लिया, नीचे वाला ऊपर कर दिया, ऊपर वाला कोई इशू ही नहीं है इसमें भी। अपनी तरफ से हमें बड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं ना, ऊपर के कॉमन आएगा तो नहीं हुआ कंफ्यूज है ना। 32। हाँ जी, तो क्या बन जाएगा, 4 चाहिए हमें बीच में, तो 8 4 32 है ना। 8 में से 4 निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 32, बल्कि ब्रेक करके दिखा देते हैं हमें कैसे। 1 into 32 ले लेते हैं, है ना। 2 16 टाइम, 16 और 2 प्लस किया तो 18 आ जाता है, माइनस किया तो हम अपने से नहीं कर सकते अगर 10 हो। हाँ, तो हम मैं अपने से कह दूं कि 10 माइनस 10 प्लस 5 प्लस माइनस होगी 5। हाँ कर सकते हैं, लेकिन उनको मल्टीप्लाई करके ये भी तो आना चाहिए ना, इसलिए हम ए सी को ब्रेक करते हैं, ठीक है। अब देखो हमने 2 16 टाइम किया, तो ये 16 और 2 प्लस करेंगे, किधर सिद्ध करने क्या था, किधर सिद्ध कर क्या है? अच्छा जी, 16 में से 2 निकाले तो 14 आता है, प्लस करें तो 18 आता है, तो हमारा रिक्वायर्ड मिडल टर्म नहीं आती। हम इसको एक बार फिर कर लेते हैं, 2 8 इनको अब हाँ। अब हमें प्लस का साइन चाहिए, तो बड़ा हम पॉजिटिव रख लेंगे, छोटा नेगेटिव, इसमें तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आ गया मेरे बेटे का 8 टाइम, जो मर्जी पहले रख लो आप, चाहे 4 पहले रख लो चाहे 8 साइन। देखो नहीं नहीं, देखो मैं आप रखवाओ मैं रखता हूँ, माइनस इसके साथ माइनस आना है और इसके साथ प्लस आना है। माइनस 4m प्लस 8m, साइन नहीं खराब करने, फिर आगे पीछे करो, ठीक है। मैंने इसलिए इधर पहले मैंशन कहा है, ठीक है। माइनस 32 आ गया, यही आ गया। ऊपर वाले का तो कुछ नहीं कर सकते, जो हमने करना था हमने बेटा गर्क कर दिया उसका। अब नीचे से m कॉमन आएगा पहले, तो आ गया ये द स्क्वायर आना है नकम में। अब उधर से क्या कॉमन आएगा, 8 फिर ये सेम आ गए, जोड़े बनाने आ गई हूँ इसको इब्राहिम। हाँ बिल्कुल, फोर है। हाँ मुझे अपना ही लिखे नहीं पहचाना जा रहा ना, ये कट गया, तो मेरे बेटे का जो बचा वो आंसर है। ये था आपका क्वेश्चन 3, जिसके लिए हम इतना शदीद परेशान थे। अब आपका क्वेश्चन 1 भी होगा, क्वेश्चन 2 भी हो गया, तो क्वेश्चन 3 भी हो गया। अभी मेरा बेटा कोई इसका कुछ करवाना चाहे और, तो इंटरमीडिएट का क्या, इंटरमीडिएट की मैं कह रहा हूँ अलग ही वीडियो बनाएंगे, है ना। ये बेसिक लेवल है, तो फिर वो और बड़ी होती जाएगी। 4 रहता है बेसिक का, 4 रहता है, वो करवा लें। बोलें क्या है 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 है 15 ए स्क्वायर। हाँ जी, दो मल्टीप्लाई की, दो डिवाइड किया, एक एक कर लेंगे। अच्छा जी मेरे बेटा, हाँ जी, मल्टीप्लाई बाय 4c ओवर 8 नहीं नहीं उस वाले ओवर में 15 इधर ओवर, हाँ जी, 8ab पावर 3 आगे है 8ac
इसके साथ ही बस। फोर सी पे भी हाँ जी, फाइव ए और कुछ भी नहीं है, ये ना अलग अलग कर दिए ऊपर वाले। अगर आपको मसला है नहीं तो ऐसे ही काट लो ऊपर नीचे, ऐसे ही काट लो, नहीं तो ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर लो फिर बाद में काट लो। पहले हम बात करते हैं, चलो हम वाला क्या करते हैं, ये इधर उधर देखते हैं पहले। फोर वन जार फोर, टू जार फाइव, वन जार फाइव थ्री जार। ठीक, पहले नंबर्स की बारी कर लेते हैं ना, पहले नंबर को हमने कर लिया, बचा क्या इधर थ्री और नीचे टू, ऊपर उधर कोई नंबर नहीं बचा। थ्री वन जार थ्री, टू वन जार टू, ये हमारा मसला खत्म हो गया। अब ये मजीद नहीं कटते, अब होते हैं ए की तरफ। एक ए ये है, कट गया इसके साथ एक ए, सिंपल कर दूं इसको। चलो सिंपल कर देते हैं, क्वेश्चन लिखवा। ओ ए, मैंने क्वेश्चन रेज कर दिया, जल्दी जल्दी फिर बोल। 15 ए पावर 2 जी ओवर ओवर 8 ए बी, 8 ए बी की पावर 3 सी, ठीक हो, मल्टीप्लाई बाय 4 सी, 4 सी ओवर 5 ए बी। आप इधर उधर काट सकते हैं, अब आपको मुश्किल लग रहा है तो जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे फिर नहीं पता लगेगा। हम क्या करते हैं ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 4 जार 60 नहीं मैं कह रहा हूं। अच्छा आप क्या कह रहे हैं बताएं, 5 को से कट कर दे। ये ले मैंने 3 हो गया, 3 आ एक और एक, ए से एक, नहीं नहीं वो नीचे वाले एक ना, हां नीचे वाले एक को उस वाले से कट कर दे। हां जी कर दिया, एक ए बच गया। अब ये ए जो रह गया इसको भी ऊपर वाले से कट कर दे, काट कर दिया। अब बी को नहीं, बी का अब सी को ऊपर वाले से कर दे, हां काट गया। अब 8 को 4 से कर दे, 1 4 1 जार 4 2 जार। अब देखते हैं क्या बचा हमारे पास, है ना, 2 भी 3 ओवर 2 भी बी, एक बी थ्री है एक बी वो है, जब मल्टी, हाँ जी बी रेस पर। अच्छा नहीं हो गया इसका मैथ, है ना, अब डी पार्ट गलती नहीं लग रही उसे, उसको उसने करवाया था कल। एक क्वेश्चन है इस पार्ट का, हाँ जी 8 सी, 8 सी 3, हाँ जी डिवाइडेड बाय जी, डिवाइड लिखा है इसके ओवर में कुछ है जी जी वो लिखवाए ना पहले, सिक्स ब्रैकेट ब्रैकेट सी प्लस डी ब्रैकेट ब्रैकेट है जी, डिवाइडेड बाय टू सी जी, जल्दी जल्दी लिखा ले, 27 मिनट हो गए हुए हैं उसके। हाँ थ्री सी प्लस थ्री डी, बड़ा आसान सवाल है। अब इसमें सीखने वाली चीज़ ये फ्रैक्शन चाहिए, है ना, फ्रैक्शंस में कभी डिवाइड नहीं होता,